तो कैसा लग रहा है नैनीताल? तो हमारे भाई लोग आए हैं मुरादाबाद से, नैनीताल का बोट स्टैंड जैसा आप देख रहे हैं। तो कौन रोकेगा इनको? अंदर की तरफ दिखाता हूँ अंदर कैसा नजारा है। तो ये देख सकते हैं फुटपाथ। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है वो नैनीताल के टूरिज्म के उस पर होने जा रहा है, टूरिस्ट के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि आज ईद का 14th दिन है और काफ़ी भीड़ भाड़ नैनीताल में हो रही है। और अभी तक लोग यूपी से आ रहे हैं, मैं यूपी की गाड़ियाँ ज़्यादा देख रहा हूँ, बाइकें ज़्यादा देख रहा हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नैनीताल में जो रेंट पर स्कूटी बाइक मिलती है तो वो स्कूटी और बाइक लेके घूमने चले जा रहे हैं। काफ़ी लोग टूरिस्ट जो है स्कूटी बाइक से दिख रहे हैं। तो चलिए इस टाइम जो हूँ फुटपाथ में, चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं गाड़ी पड़ाव के पास हूँ और आज ईद का 14th दिन है, लेकिन आज भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जाम लग रहा है। और यहाँ पे जो चिकन बिरयानी, चिकन के काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ से काफ़ी पर्यटक यहाँ पे जायका लेते हैं बिरयानी का, रोस्टेड चिकन का। सर जहाँ पर मेरा कैमरा है, तो इस जगह को बोलते हैं गाड़ी पड़ाव। कभी भी आप आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, यहाँ का जायका टेस्ट करिएगा। और हल्के हल्के यहाँ पे जाम लग रहा है नीचे की तरफ मस्जिद की तरफ, तो अभी नीचे की तरफ चलेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ कैसी भीड़ भाड़ है, वहाँ कैसा क्राउड है। लेकिन आज ईद के 14th दिन में यहाँ पे काफ़ी मुझे भीड़ भाड़ लग रही है और गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप इधर, तो चलिए बढ़ते हैं नीचे की तरफ और नीचे देखते हैं कि नीचे कैसा माहौल है। अभी तो यहाँ पर माहौल थोड़ा सही दिख रहा है मुझे, ये देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ बढ़ गया हूँ। और ये जो जाम लगता है, ये जो DSC कार पार्किंग है ना, वहाँ जो गाड़ियाँ पार्किंग होने जाती हैं तो उस वजह से जाम लगता है, क्योंकि जो पार्किंग हल्के हल्के गाड़ियाँ नीचे को जाती रहती हैं। और मैं पहुँच गया हूँ जाम मस्जिद की तरफ। और आज भी चल रहा है क्रिकेट का लोकल टूर्नामेंट। और ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं इस टाइम लोकल टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। हाँ, बॉलर कहाँ है पता नहीं, वो इतने दूर से बॉलिंग कर रहा है, ये देखिए। और ये रोक दिया है। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो DSC की कार पार्किंग दिखाता हूँ कि फुल है या नहीं है। तो यहाँ से देख सकता है, यह है DSC की कार पार्किंग। तो अभी तो फुल नहीं लग रही है, ये फिलहाल यहाँ से इनको इधर भेज दिया 100 मीटर आगे, मेट्रोपोल कार पार्किंग में भेज दे रहे हैं, ये देख सकता है। तो यहाँ से 100 मीटर आगे है मेट्रोपोल कार पार्किंग। वैसे मैंने कार पार्किंग का ब्लॉग बना रखा है, आपको जहाँ गाड़ी पार्क करनी है मेरा ब्लॉग देख सकता है, नैनीताल कार पार्किंग का मेरा ब्लॉग खुल जाएगा। फिलहाल कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नीचे का नज़ारा, फुटपाथ का नज़ारा कैसा है। तो ये देख सकता है फुटपाथ में काफ़ी भीड़ भाड़ है इस टाइम, तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है, ईद का 14th दिन है आज, तो टूरिस्ट जो है आने में है इस टाइम। तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आके जो हल्के हो गए टूरिस्ट, इधर की तरफ बहुत है। तो ये देख सकते हैं आप, तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं फुटपाथ के पास। और यह है हमारा जो मल्लीताल का बोट स्टैंड, जैसा आप देख रहे हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ यहीं दिखती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर हो रही है, और माल रोड में भी बहुत हो रही है, वहाँ पे जाम लग रहा है, मैं दिखाऊंगा वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से नज़ारा देख सकते हैं आप, यहाँ फोटो के भी स्नैप जो है खिंचा सकते हैं ड्रेस पहन के, ये ड्रेस कोड होता है कश्मीरी जो होता है ना, कश्मीरी टाइप का कुछ इस टाइप से पहनते हैं यहाँ पर, ये देख लूँगे आप। तो इस तरीके से यहाँ पर फोटो खिंचा सकता है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा नैनीताल में हो चुका है। मैं तो जैकेट, हमने तो दोबारा से जैकेट निकाल ली है, और जैकेट में फिर से हम पहन रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सुबह शाम को काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है ये।
तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक में काफ़ी बोट से चल रही है इस टाइम ये। अब कल मैंने आपको चाय से दिखाई थी लेक, तो लेक का आकार कैसा था, और अभी मैं बिल्कुल लेक के पास ही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक कैसी दिख रही है ये। और इसके 11 किलोमीटर भवाली है, भवाली से फिर 9-10 किलोमीटर आगे भीमताल है, तो भीमताल की जो लेक है यहाँ, भीमताल की लेक बड़ी आकार में, ये छोटी है। तो कभी आप भीमताल भी जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि वहाँ भी, मतलब मैंने ब्लॉग बना रखा है तो उसमें ही बोटिंग करिएगा। वहाँ एक यूनिक बोट चली है साइकिल वाली, तो अभी तो वो भीमताल में चली है, तो आप जैसे साइकिल चलाते हैं ना प्लिंसू में, तो वैसे ही आप ताल में जाएंगे तो ताल से साइकिलिंग करके आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं भीमताल में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और दिखाता हूँ आगे का कैसा नज़ारा है फुटपाथ का। तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम फुटपाथ में, और फुटपाथ में कुछ ऐसी भीड़ भाड़ है, ये देख सकते हैं। तो उधर की तरफ ना बंद है, और पता नहीं क्या यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं, ये देख सकते हैं बैंड हाउस के अंदर भी काफ़ी टूरिस्ट है और इधर भी काफ़ी टूरिस्ट बैठा है, और जबकि ना इसके अंदर जाना मना है, टीम चारों तरफ से लगी हुई हैं, और वहाँ पर लैंड स्लाइड भी हुआ था, लेकिन पर्यटक जो बाज नहीं आ रहे हैं उनके जो दबाव पड़ेगा तो दोबारा से ही नीचे जा सकता है, लेकिन उनको कुछ परवाह नहीं है, उनको फ़ोटो खींचनी है, सेल्फी लेनी है, भले ही वो नीचे ताल में गिर जाएँ और एक आध गोता खा ले हों, लेकिन उससे उनको बेपरवाह होकर वो लोग जा रहे हैं। और काफ़ी जो हमारा जो ये चिल्ड्रन पार्क था, इसके अंदर भी काफ़ी टूरिस्ट है, तो मैं दिखाता हूँ। तो जहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से जा रहे हैं टूरिस्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं ये, तो ये देख सकता आप। अब इनको कौन मना करेगा और कौन रोकेगा इनको, और मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ था, और अंदर देख सकता पार्क में ये। तो कोई ऐसा नज़ारा है पार्क के अंदर का, जबकि ये बंद है पूरा, यहाँ से टीन लगे हुए हैं ये, ये देख सकता आप, लेकिन टूरिस्ट को तो जाना है। और जहाँ पे खतरा मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे खतरा है अंदर जाके। तो जब टूरिस्ट जा रहे हैं तो हम भी जाके थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं, मैं दिखाता हूँ जहाँ पे लैंड स्लाइड हुआ था। तो यहाँ पे लैंड स्लाइड यहाँ पे हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकता है। अब ये चीज़ जो है ये दरार यहाँ पे जो हल्के हल्के अंदर जाती जा रही है, ये देख सकता है, अगर यहाँ पे दबाव पड़ेगा तो दोबारा से फिर ये बैठ सकता है ये। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हैं आप देख सकते हैं ये। तो ये जगह को आप देख सकते हैं, और इसका काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और इस टाइम मैं हूँ चिल्ड्रन पार्क के पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे मना है आना, लेकिन हम इनको कैसे मना करा जाए ये पता नहीं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाता हूँ अंदर कैसा नज़ारा है। तो देखिए मैं ब्लॉग बना रहा था, और ब्लॉग बनाते बनाते हमारे भाई मिल चुके हैं जो मुरादाबाद से आए हैं, आज ही आए हैं, तो आपका मेरे ब्लॉग में वेलकम है। तो आपको कैसा लग रहा है नैनीताल? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है जी। तो आज ईद का जो चौथा दिन है, तो आप सेलिब्रेशन पार्टी करना है घूमने, ठंडी ठंडी हवाएं लेने? ठंडी हवाएं लेने जी जी जी। तो मुरादाबाद में काफ़ी गर्म हो रहा है जी? मुरादाबाद में गर्मी है जी। तो कैसा लग रहा है नैनीताल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो फर्स्ट टाइम आया? सात आठ दफा आ चुका हूँ। अच्छा, नैनीताल आते रहते हैं अक्सर? तो ईद कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ घूम लिया आपने? हम लोग बोटिंग करिए, जू जाएंगे अब। अच्छा, चिड़िया जू जाएंगे आप, बोटिंग कर लिया आपने? तो बोटिंग करके तो काफ़ी मज़ा आया होगा जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए शुक्रिया। देख सकते हैं इस टाइम में पार्क के अंदर आ गया हूँ, जबकि पार्क के अंदर आना अभी नो एंट्री है बिल्कुल। तो लेकिन जो हमारे जो टूरिस्ट आए हैं इनको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं टूरिस्ट, ये और ये देख सकता है, और यह कैपिटल सिनेमा हॉल सामने। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टूरिस्ट आप देख सकते हैं अंदर बैठे हुए हैं ये,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे से दिखाता हूँ फिर कितनी भीड़ भाड़ है, कैसा है भीड़ भाड़। तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है पार्क के अंदर का। तो यही देख सकते हैं फुटपाथ का नज़ारा, और मैं बाहर आ चुका हूँ और अब ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ये तो ये देख सकता है फुटपाथ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और जब व्लॉग बना रहा हूँ तो आज हमारा ईद का चौथा दिन है। तो हमारे भाई लोग जो यहाँ सब नैनीताल आ रहे हैं, घूम रहे हैं और हमसे भी मिल रहे हैं। तो मैं तो बहुत कम ही मिल पाता हूँ, लेकिन अचानक से जब मैं मिल जाता हूँ तो हमारे ये भाई लोग आए हैं मुरादाबाद से। तो आप लोग को कैसा लग रहा है नैनीताल? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्लॉग देखते हैं, अभी बता रहे हैं। तो मैं तो किसी को नहीं पहचान पाता हूँ, जो आते हैं तो मुझसे फिर जिसान भाई कहते हैं, जब भी मैं पहचान पाता हूँ। तो आप लोगों को नैनीताल कैसा लग रहा है? नैनीताल तो बहुत पसंद है, हम आते रहते हैं, हम हर साल का दो तीन बार का चक्कर लग जाता है। अच्छा, अक्सर आप नैनीताल आते रहते हैं? जी जी। तो नैनीताल में और मुरादाबाद में कितना कुछ अंतर है वेदर? मुरादाबाद में प्लेन में तो ज़्यादातर गर्मी रहती है। जी जी, बहुत गर्म हो रहा है वहाँ, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हमारे नज़दीक वो हिल स्टेशन यही है। हाँ, नैनीताल सबसे नज़दीक है, दिल्ली से हो गया या मुरादाबाद से हो गया तो नैनीताल बहुत नज़दीक है, तो काफ़ी सारे पर्यटक थे। जी जी। तो अभी कहाँ कहाँ घूम लिया आपने? हम कल तो 4 बजे आ गए थे। 4 बजे जी। अब हमारी बहाली गए। तो बोटिंग अभी करी नहीं? करी नहीं, बोटिंग नहीं करते। बोटिंग नहीं? बोटिंग नहीं। डर लगती है क्या? डर लगती है, फिर ठंड लगती है। तो क्या कहना चाहेंगे जो व्लॉग देख रहा है सबको? हम यही कहना चाहेंगे जो नहीं आ सका है, ये सोचते हैं कि नैनीताल कैसा है। जी जी जी। वो सबसे पहले यहाँ जरूर देखें, एक बार विजिट करें, और कोई भी निराश होकर यहाँ से नहीं जाए। और अक्सर लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जो नैनीताल है वो हाई प्लेस, मतलब हाई उसमें है, तो हमारे बजट में नहीं आ पाता है। तो हमारा मकसद ये रहता है कि आप भी नैनीताल आइए, घूमिए, बेहतर है अपने बजट के हिसाब से। जी जी। सबसे बहुत सर्दी लग रही है, अभी जैकेट उतार रही है। जी 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 जी। तो यहाँ पे तो ठंडा हो ही गया है, बहुत सर्दी थी। जी जी। रात भर सर्दी में रहे हैं, सर्दी में, क्योंकि आप कल आ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा नैनीताल में कैसा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गर्म जैकेट अपने संग जरूर लाइएगा, क्योंकि सुबह शाम का यहाँ पर ठंडा है। ठंडा है, जैकेट है हमारे पास, लेकिन अब उतर जाएंगे हम। हाँ जी जी जी। तो आपको वहाँ तो गर्म लगेगा ही। तो आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबको हाय कर देगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया। इसका व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।